हेलो दोस्तों, मैं हूं नीता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद नीता में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही क्रीमी और एकदम मज़ेदार सी मार्केट वाली वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही डिलीशियस। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रीमी दिख रहा है ना। ना ही हमने इसमें कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है और ना ही इसमें मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही डिलीशियस क्रीमी वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी और देखते हैं बहुत ही क्रीमी सी आइसक्रीम बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और घर पे इसे इजीली कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएँ। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। तो मेरे पास जो दूध है इसमें मलाई आई हुई थी तो इसको मैंने मलाई के साथ ही ले लिया है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लेना है। तो अगर आपने मलाई उसमें से निकाल ली है तो उसमें ऐड कर सकते हो। तो दूध जब तक गर्म होता है तब तक हम दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे और उसमें 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे और उसमें हम बिल्कुल ठंडा दूध डालेंगे। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दूध बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए और उसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप चाहें तो किसी और फ्लेवर का भी ले सकते हो, लेकिन अगर हम वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं तो वनीला कस्टर्ड पाउडर ही लीजिएगा और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे जब तक कि इसमें से लम्स अच्छी तरह से चले ना जाए। दूध भी हमको हल्का गर्म करना है। हल्का गर्म हो गया है दूध और अब ये जो कस्टर्ड पाउडर हमने दूध में घोला है इसको हम इसमें डाल देते हैं और इसको लगातार हिलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे तले में बैठ जाएगा और लम्स मर जाएंगे। इसको हम तब तक लगातार चलाएंगे जब तक कि इसमें अच्छी तरह से उबाल ना आ जाए। कस्टर्ड पाउडर पक जाना चाहिए, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत गाढ़ा हो गया है। और अब हम इसमें चीनी भी डाल देते हैं ताकि चीनी भी साथ में उबल जाए। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डालिएगा। मैंने यहाँ पे 1/2 कप चीनी ली है लेकिन मुझे लगता है 1/4 कप ही चीनी इसमें डलेगी। तो ये देखिए आधी चीनी मैंने इसमें बचा ली है और इतनी ही सफिशियंट है। चीनी को भी लगातार चलाते हुए हिला लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए इसमें। ये देखिए दूध हमारा उबलने लग गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से गाढ़ा भी हो गया है और उबल भी गया है। इसको उबलने में 5 से 7 मिनट ही लगे हैं, बहुत देर इसमें नहीं लगती। कस्टर्ड के कारण दूध बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाता है। अब हम इसको एक तरफ रख देंगे, गैस का फ्लेम बंद करके कस्टर्ड के घोल को ठंडा होने देंगे। तो कस्टर्ड का घोल जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो एक बाउल में मैंने 1 कप व्हिप क्रीम ली है। व्हिप क्रीम मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है, अगर नहीं मिलती तो ऑनलाइन आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। इसकी जगह पे आप मलाई या डेरी क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो लेकिन वो बहुत हैवी कर देगा आपकी आइसक्रीम को और फिर मार्केट वाली क्रीमी सी एकदम सॉफ्ट सी आइसक्रीम नहीं बनेगी। व्हिप क्रीम को हमको लगभग 5 मिनट तक इस तरह से फेंटना होगा जब तक कि ये अच्छी तरह से व्हिप ना हो जाए, फूल ना जाए। तो दोस्तों, इस काम को आप हैंड मिक्सर से भी कर सकते हो लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये प्रोसेस आप मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हो। और ये देखिए हमारा कस्टर्ड का बैटर बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और अब हम इसको व्हिप की हुई क्रीम में मिला देते हैं। और दोनों चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। क्रीम तो हमारी ज़्यादा ठंडी होगी, बाकी जो ये बैटर है ये ठंडा रूम टेम्परेचर पे होगा। तो दोस्तों, इनको मिला दिया मैंने अच्छी तरह से और एक बार फिर से इसको व्हिप कर लेते हैं ताकि ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जिस क्रीम का यूज़ किया है वो पहले से ही स्वीट क्रीम है, तो इसमें हमने चीनी उसी हिसाब से डाली है कस्टर्ड में। अगर आप विदाउट शुगर वाली क्रीम का यूज़ कर रहे हो तो फिर कस्टर्ड के मिक्सचर में चीनी उसी हिसाब से डालिएगा। आप क्रीम की जगह अगर मलाई का यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उससे आइसक्रीम थोड़ी हैवी हो जाती है, उतनी फ्लफ़ी सी नहीं बनती है, एकदम क्रीमी सी नहीं बनती है। तो दोस्तों, आप इस व्हिप क्रीम से अगर आइसक्रीम बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट वाली आइसक्रीम बनेगी। दूसरी बात, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये पूरा प्रोसेस मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हो और जमने के लिए ग्राइंडिंग जार में ही रख सकते हो। अब हम इस बाउल को पॉलीथीन कवर या फिर एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से कवर कर दीजिए ताकि एयर इसके अंदर ना जाए। और अब हम 2 से 3 घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रखेंगे और उसके बाद वापस से ढक्कन खोल कर देखेंगे और इसको एक बार फिर से मिक्सर से फेंट लेंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर क्रीमीनेस फॉर्म होगा और अगर कोई आइस क्रिस्टल आया होगा तो वो निकल जाएगा। तो अगर ये प्रोसेस आप मिक्सर ग्राइंडर में कर रहे हो तो ग्राइंडिंग जार के साथ ही इसको जमने के लिए रख दीजिए और उसके बाद उसी को वापस चला दीजिए। आइसक्रीम बहुत ही डिलीशियस और ब्यूटीफुल लगे इसके लिए इसमें मैं थोड़ी टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ।
सभी कलर की टूटी फ्रूटी इसमें मैंने डाल दी और इसको एक स्पैचुला से या चम्मच से हिला देते हैं ताकि वो अंदर भी चली जाए। और इसके ऊपर भी हम इसको डेकोरेट कर देते हैं टूटी फ्रूटी से। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट भी इस पर डाल सकते हो। और अब हम इसको वापस से कवर कर देंगे और इसको अच्छी तरह से जमने के लिए फ्रिज में रख देंगे। 5-6 घंटे के बाद इसको हम निकालेंगे और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये जम गया है। बहुत ही बढ़िया दिख रही है आइसक्रीम। ये देखिए बहुत ही क्रीमी सी आइसक्रीम बनकर तैयार है। ये देखिए दिख रही है ना, बहुत ही क्रीमी, एकदम मस्त मार्केट वाली आइसक्रीम, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अब सस्ते में मार्केट वाली आइसक्रीम घर पर ही बनाइए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्लफ़ी क्रीमी सी आइसक्रीम का मज़ा लीजिए। ये देखिए आइसक्रीम कितनी क्रीमी और सॉफ्ट बनी है, मैं आपको इसको काट कर दिखा रही हूँ। ये देखिए लग रही है ना एकदम मार्केट वाली आइसक्रीम। ये देखिए, तो फ्रेंड्स देर किस बात की, ज़रूर ट्राई कीजिए। वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम बहुत इजीली घर पर बन जाती है, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी? आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएँ। तो मिलते हैं इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।